school said to different teachers, golden rule, reading, writing. Hello children, Cosmic Foundation School and Mrs. Joshi welcomes you for a chapter in Hindi. आज हम हिंदी में मात्रा के ज्ञान के बारे में एक चैप्टर करेंगे और वो है आ की मात्रा. क्या करेंगे हम? आ की मात्रा. अब आ की मात्रा कैसे लगाते हैं? आ की मात्रा आप देखेंगे कि वो एक स्टैंडिंग लाइन होती है ना. स्टैंडिंग लाइन हम वर्ण के पीछे लगाते हैं, ठीक है. तो वर्ण जो होता है वो क से ज्ञ तक होते हैं, उसके पीछे जब मैं एक और स्टैंडिंग लाइन लगा देते हैं तो उसमें आ का स्वर आ जाता है. मतलब त है, त के पीछे जब हम एक स्टैंडिंग लाइन और लगाते हैं वो आ की मात्रा बन जाती है. तो वो ता ल पर आ की मात्रा, ता ला, तो ये क्या बन गया? ता ला. अब ये छाता है तो छा, मैं क्या बोल रही हूँ? छा और ता, तो आ की मात्रा आ रही है ना. छा छ तो नहीं बोल रही, छा छ पर आ की मात्रा, तो पर आ की मात्रा, छा ता. ओके, अब हम आ जाएंगे ग म ल पर आ की मात्रा. तो ग और म में मैं कोई मात्रा नहीं लगा रही, तो ग म और ला, गमला. ट प्लस म, म पर आ की मात्रा लग रही है तो ये हो गया ट मा ट र, टमाटर. अब हम इसको बोलकर पढ़ेंगे. न पर आ की मात्रा, ना म, हा थ, ना क, का न, का र, कार, बाजा, माला, भाला, क म, क पे भी मात्रा नहीं है, म पे भी मात्रा नहीं है, सिर्फ ल पर आ की मात्रा है, तो ये बन गया ला. अब एक साथ बोलेंगे कमला, तबला, तबला, महान, महान, मकान, मकान, अनार, अनार, जहाज, जहाज, पहाड़, पहाड़, सलाद, सलाद, पालक, पाठशाला, पाठशाला, कारखाना, कारखाना, जागरण, जागरण. अब इसको एक सेंटेंस में भी देखेंगे हम. क्या करेंगे? सेंटेंस के फॉर्म में देखेंगे. रमा, रमा, बाजार, बाजार, जा, रमा बाजार जा, टमाटर और गाजर ला, टमाटर और गाजर ला, सलाद, सलाद बना, अनार खा, कमला नहाकर खाना खा, रामनाथ पाठशाला जा. अब आप इसको रीड कर सकते. अब हम इसके कुछ अभ्यास करेंगे. चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए. अब यहाँ पे किसका चित्र है? अनार, तो गगन. अब हम यहाँ लिख देंगे अनार, अ लिखेंगे, ना मतलब न पर आ की मात्रा और र, अनार. अब ये क्या है? टमाटर, तो मुझे यहाँ पर टमाटर लिखना है. और टमाटर कैसे लिखेंगे? ट लिखेंगे. माँ मतलब म पर आ की मात्रा, मा, ट र, टमाटर. अब ये क्या है? ताला,
तो अब ताला लिखना है मुझे यहाँ पर, वो कैसे लिखेंगे, ता मतलब त पर आ की मात्रा ता ला, ल पर आ की मात्रा ला ताला। अब ये क्या है, छाता, तो छ पर आ की मात्रा छा, त पर आ की मात्रा छाता। अब ये क्या है, तबला, तो मुझे यहाँ पे तबला लिखना है सरला त ब ला, ल पर आ की मात्रा आएगी क्योंकि त पर कोई मात्रा नहीं है, ब पर कोई मात्रा नहीं है, ला। ये क्या है, अखबार, तो कैसे लिखेंगे, अ ख बा, बा ब पर आ की मात्रा बा र अखबार। अब हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो एक नया वर्ड बनेगा। पहले हम सिर्फ आगे वाले पे लगाएंगे और फिर दोनों पे लगाएंगे, तो ये बन गया का ल काल, और ये क्या हो गया, क पर भी आ की मात्रा का और ल पर भी आ की मात्रा काला। अब च पर आ की मात्रा बनते क्या बन गया, ये चार, और च पर भी आ की मात्रा और र पर भी आ की मात्रा लगाते क्या बन गया, चारा। बल क्या बन जाएगा, ब पर जैसे ही आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बाल, बाल। और ब पर भी आ की मात्रा लगाई और ल पर भी आ की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा, बाला। तर, अब तर पर त पर आ की मात्रा लगाएंगे ता र तार, और त पर भी आ का मात्रा लगाएंगे और र पर भी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, तारा। आप जैसे ही मात्रा लगाते हो शब्द बदल जाता है। अब इसमें हमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ह पर आ की मात्रा लगानी है और थ भी लिखना है, तो क्या बन जाएगा, ये ह पर आ की मात्रा हा और थ हाथ। अब ये क्या है, क आ का न कान, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, का न कान। प आ पा ल क, पा ल क पालक। च प्लस आ चावल, चावल चावल। स ला द, स ला द सलाद। पा ठ, श पर आ की मात्रा शा, ल पर आ की मात्रा ला। ये लंबा है तो एक एक करके लिखेंगे, प प्लस हमने सॉरी कमला तो लिखा ही नहीं, ये भी लिखना है हमें, सो ये है क म ला। अब आ जाएंगे प पे आ की मात्रा पा, फिर ठ, फिर श पर आ की मात्रा शा, ल पर आ की मात्रा पाठशाला। टमाटर, तो ये आ जाएगा ट मा ट र टमाटर। अब हम इस शब्दों को वर्णों में अलग अलग करेंगे, तो ये जो राजा है तो पहले र को लिखा, फिर आ की मात्रा अलग करी रा ज और आ की मात्रा राजा। अनार, तो न, न को ये जो ना है ना को हम अलग करेंगे, न और आ की मात्रा अलग लिखा। और अस, इस शब्द को अलग अलग लिखना है, अलग करके लिखना है। उजाला, तो पहले उ लिखेंगे, अब जा है, जा के अंदर ज और आ की मात्रा भी है और ल में भी आ की मात्रा है। सरकार, तो सर क में आ की मात्रा है तो क और आ की मात्रा। कलाकार, तो क ल में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा और र कलाकार। अब इसमें चित्रों को शब्द बनाना है चित्रों को देखकर, तो ये क्या है, भाला भाला, गमला माला, चादर चादर, पालक ता
रा ज हा ज अ ना र। तो हमने ये वाले शब्द कर लिए, तो ये हमारे आ की मात्रा का ज्ञान हो गया। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा, फिर भी आप जितना रीड करेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप रीड करते रहिए और ज़्यादा समझते रहिए। ओके, बाय बाय।